हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम दही वड़ा बनाएंगे, या फिर आप इसे दही भल्ला भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें बनाया है, और इसको टेस्टी बनाने के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, कि इसमें ट्विस्ट ऐड किया है। इसके लिए आपको अंत तक मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो लेट्स सी कि इसको कैसे बनाते हैं और बनाने में कितना टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितनी उड़द की दाल ली है। अब हम इसमें 2 ग्लास जितना पानी डालेंगे, और इसको 6 से 8 घंटे के लिए सोक करेंगे। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो। तो ये देखिए, लगभग 6 से 8 घंटे के बाद दाल लगभग डबल हो चुकी है। इसके लिए मैं आपको डिफरेंस बता सकती हूँ। ये देखिए, ये बिना भिगोई हुई दाल थी, और ये भिगोने के बाद लगभग डबल हो चुकी है। अब हम इसको 2 से 3 बार एकदम अच्छे से मसल के धो लेंगे, और उसके बाद बारी आती है इसको पीसने की। इसलिए हम इसको पहले स्ट्रेन करेंगे एक जार में। इसको अच्छे से स्ट्रेन करके पानी को बिल्कुल अलग करके इसमें डाल देंगे। बिना पानी के इसको एकदम अच्छे से पीसना है। ध्यान रखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और पीसने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल कड़क रहेगा। सो अब बारी आती है इसमें कुछ मसाले ऐड करने की। अब हम इसमें हींग डालेंगे, मैंने 1/4 टेबल स्पून डाली है, और नमक 1/2 टेबल स्पून जितना, और हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून जितना, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून जितना जीरा भी ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसको फ्लफ़ी बनाना है। कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। मैंने डीप फ्राई के लिए ऑयल गरम किया है, और इसको पानी की सहायता से मैं इसको एक एक बार डालूंगी, इसके वड़े बनाऊंगी, ताकि हाथ चिपके ना, और बहुत ही अच्छे और सुनहरे रंग के होने तक इसको हमें फ्राई करना है, और मीडियम आंच पे ही हम फ्राई करेंगे इसको। फ्रेंड्स, जब तक हमारे वड़े तैयार हो रहे हैं, आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगी, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो देखिए, ये इस तरह से धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, और ऊपर आएंगे तो आप समझ लीजिए कि अंदर से ये कच्चे नहीं हैं। इसको बस गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करते रहना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे वड़े तैयार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने इसको डायरेक्टली पानी में नहीं डाला है, बिकॉज हमने जो इसको फेटा है 10 से 15 मिनट के लिए, उसकी वजह से उसमें गांठें नहीं बनती है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं हमारे वड़े। अब बारी आती है कि हम वड़ों को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रखें। इसके लिए हमें गुनगुना पानी करना पड़ेगा, हल्का गुनगुना करना है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, और उसको 5 मिनट के लिए आप उसमें डाल के रख लीजिए। आप चाहो तो उसको ढक के रखिए, और ये पूरे डूब जाने चाहिए उसमें। और इसी तरह से फिर से पानी को निकाल दीजिए, फिर दूसरा पानी डालिए। 3 बार ये प्रोसेस हमको रिपीट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अब बारी आती है वड़ों को पानी से निकालने की। तो इसके लिए आप अपने पाम के बीच में वड़ा रखिए, और हल्के हाथ से उसको स्क्वीज करते हुए अलग बाउल में वगैरह निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने होममेड कर्ड लिया है, दही जो घर पे बनाया 1/2 लीटर जितना मैंने लिया है। आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, और उसको मैंने एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें शुगर डालूंगी 1/4 कप जितनी, और इसको हल्के से मिक्स करते हुए, ज़्यादा पूरी हमको उसमें डिजॉल्व नहीं करनी है, जस्ट मिक्स करनी है, और फ्रिज में रख लेंगे, रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए। इससे इसकी जो मिठास है वो अलग ही रहेगी, और बहुत ही अच्छा दही बनने वाला है। इट्स अ ट्विस्ट। अच्छा, ये तो हमारा पहला ट्विस्ट था। एक और ट्विस्ट है, जो कि मसाले, जो हम सूखे मसाले बनाएंगे उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पर हमने 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून सूखे पुदीने के पत्ते का पाउडर, चाट मसाला 1/4 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून,
भुना हुआ अजवाइन, यस इट्स अ ट्विस्ट, 1/4 हाफ टेबल स्पून, आप चाहो तो 1/4 भी ले सकते हो। सो ये हमारा एक अलग ट्विस्ट था। अब हम इसको एकदम अच्छे से रोलर की सहायता से मिक्स कर लेंगे, उसको क्रश करेंगे। इसका टेस्ट ही अलग आता है, उसका स्वाद तो लाजवाब है, और ये तो आपको बना के उसमें डालोगे, जब ऊपर से स्प्रिंकल करोगे तब पता पड़ेगा। सो चलिए अब हम, ये हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है, अब हम प्लेट तैयार करेंगे। अच्छा यहाँ पर हमने एक बहुत ही प्यारी सी प्लेट ली है ताकि अच्छी भी दिखे, और इसके अंदर मैंने 4 से 5 वड़े रख लिए हैं, स्क्वीज्ड वड़े और कूल वड़े नो। तो इसको मैंने थोड़ा ठंडा भी किया था। सो अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा दही डालेंगे, एकदम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे दही को। इसके ऊपर हम पुदीने की चटनी स्प्रिंकल करेंगे, आप अपनी इच्छा से जितना कम तीखा ज़्यादा तीखा पसंद करते हो उसके हिसाब से डाल सकते हो। और टैमरिंड मतलब इमली की चटनी भी इसके ऊपर बहुत सारी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर जो हमने मसाला प्रिपेयर किया है, ड्राई मसाला विथ अजवाइन, रोस्टेड अजवाइन, वो डालेंगे। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसकी, सो इसको स्प्रिंकल कर लेंगे। और इसके ऊपर हम कुछ हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ सेव ली है, मैंने यहाँ पर मोटी सेव ली है, आप चाहो तो बारीक सेव है वो भी यूज़ कर सकते हो। उसको स्प्रिंकल कर लेंगे एकदम अच्छे से। और फिर फ्रेश अनार के दाने, कुछ अनार के दाने लिए हैं हमने, वो भी इसको स्प्रिंकल कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही लाजवाब डिश लग रही है, और खाने के बाद तो मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे मुंह में रखा है वैसे घुल गया है। सो ये मेरे बोलने पर मत जाइए, आप इसको बनाइए, टेस्ट कीजिए, और उसके बाद अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।